हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफेयर डेटा स्ट्रक्चर के इस फ्री कोर्स में जहां आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बबल शॉट बबल शॉट के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझा बबल शॉर्ट क्या होता है क्यों इसको बबल शॉर्ट बोलते हैं ठीक है ये सारे अभी हमने डिस्कस किए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बबल शॉट के बारे में हमने बात की तो चलिए इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से बबल शॉर्ट टेक्निक को यूज करेंगे हम अरे शॉर्टिंग के लिए और बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि बबल शॉर्ट इज अ टेक्निक न अप्लाई दिस टेक्निक ऑन requirement ऑल्सो एन यू कैन list दिसमेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको अरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं तो बबल सॉर्ट क्या है किस तरीके से execution करता है ये सारा concept अभी हमने theoretical समझा ठीक है तो चलिए इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं तो यहां पर हमने प्रोग्राम बनाया बबल सॉट डॉट सी के नाम से ठीक है एंड फर्स्ट वी नीड टू इंक्लूड फाइल्स एच इंक्लूड एस टी डी डॉट एच वाइडमेन ठीक है और यहां पर हमने सबसे पहले एक अरे लिया अगेन द साइज ऑफ अरे इज 500 ठीक है एन नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए ठीक है के लिए मुझे एक वेरिएबल आई भी चाहिए एक वेरिएबल जे भी चाहिए और एक टैम्प भी चाहिए ओके okay, सबसे पहले हमने लिमिट ली मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर द लिमिट ऑफ अरे एंटर द लिमिट ऑफ अरे ठीक उसको हमने स्कैन किया स्कैन एफ परसेंटेज दी एम परसेंट ऑफ एन के साथ ठीक अब यदि एन की वैल्यू क्योंकि हमने लिमिट फाइव हंड्रेड ली है तो हम यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं यदि एन की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव हंड्रेड है प्रिंट एफ इनवैलिड लिमिट प्लीज एंटर बिलो 500 ठीक है या प्लीज एंटर अप टू 500 जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं ठीक लेकिन यदि आपकी लिमिट 500 हंड्रेड बिलो है तो अब मुझे क्या करना है आई नीड टू एंटर द एलिमेंट इन अरे तो हमने मैसेज दिया एंटर एलिमेंट इन अरे ठीक है और यहां पर अरे में एलिमेंट हमने एंटर किए फॉर लूप लगा के फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस ठीक है एन परसेंटेज डी कॉम एम परसेंट अरे ऑफ आई

जीरो से ठीक है और जे हमने चलाया लेस देन एन माइनस वन तक कॉन्सेप्ट क्यों? अगर 5 है, तो मुझे हर शॉर्टिंग में हर एक इटरेशन में आपका एक एक एलिमेंट अपनी पोजिशन सेट करेगा है ना ये सारा कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं फॉर आई इक्वल्स टू सॉरी जे इक्वल्स टू लेस देन एन माइनस वन एंड दिस इजे प्लस ठीक प्लस है और यहां पर हमने क्या देखा था कि हम एक्चुअली कंपेयर करते हैं नियर बाय एलिमेंट को राइट right? तो हमने कंपेयर किया यदि अरे ऑफ जे ग्रेटर देन है अरे ऑफ जे प्लस वन से और यू कैन अपोजिट भी बात कर सकते हैं ठीक है यदि अरे ऑफ जे की वैल्यू अरे ऑफ जे प्लस वन से ग्रेटर है सो हियर वी अप्लाई सॉटिंग टाइम्प इक्वल टू अरे ऑफ जे अरे ऑफ जे इक्वल टू अरे ऑफ जे प्लस वन ठीक है एंड देन अरे ऑफ जे प्लस वन

सॉर्टेड एलिमेंट आर ठीक है और इन सॉर्टेड एलिमेंट को हमने प्रिंट किया फॉरलुप लगा के फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस ठीक है एन हियर विल प्रिंट दिस एलिमेंट प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लेशन कॉमा अरे ऑफ आई हमने अरे को प्रिंट कर दिया और एक बार पूरा कोड प्रॉपर देख लेते हैं ठीक है देखिए क्या किया हमने सबसे पहले हमने अरे अरेडिक्लियर किया अरे अरेडिक्लियर करके हमने लिमिट ली है लिमिट लेके हमने कंडीशन चेक की है कि अगर लिमिट फाइव हंड्रेड से अब दिस इज इनवैलिड लिमिट लेकिन अगर लिमिट 500 से बिलो है तो हमने अरे में एलिमेंट स्कैन किए लूप लगा के ठीक है और ये है हमारी सॉर्टिंग टेक्निक दिस इज व्हाट सॉर्टिंग यूजिंग बबल सॉर्ट ठीक है सॉर्टिंग यूजिंग बबल सॉर्ट और ये हमने नेस्टेड लूप लगाया आई इक्स टू जीरो से लेके एन तक जे इक्वल्स टू जीरो से लेके एन माइनस वन तक ठीक है और ये हमने कंडीशन अप्लाई की दिस इज आफ्टर सॉर्टिंग ये पूरा लॉजिक अगर आपको समझना है तो प्लीज मेरा थ्योरी लेक्चर आप विजिट कर सकते हैं मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि आप हमेशा प्रैक्टिकल के पहले दस मिनट लगेंगे आप इसके थ्योरी लेक्चर को समझ लें क्योंकि बोर्ड पे मैंने बहुत ही अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है ठीक है क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमें केवल रन करके देखना है कि यस जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो प्रैक्टिकली सक्सेसफुली रन होते हैं कोड ठीक और ये हमारी सॉर्टेड एलिमेंट हमने प्रिंट कर दिए ठीक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यस अगेन इट इज एन ओ एन स्क्वायर तो चलिए देखते हैं इसको रन करके सी दिस वन ओके प्रिंट अरे ऑफ आई से छूट गया है ठीक है एंटर द लिमिट ऑफर फाइव एलिमेंट वन थ्री टू थ्री गेटेड कर देते हैं स्लेशन को यहां अप्लाई करके पहले लगा देते हैं ठीक है तो अब देखिये अब मैं अगर इसको रन करता हूं एंटर द लिमिट सपोज मैंने लिमिट दी टेन टेन एलिमेंट सर फोर फाइव टू वन सिक्स एट नाइन सेवन थ्री ठीक है बबल शॉर्ट कॉन्सेप्टॉट देखा इसको बबल शॉर्ट क्यों बोला जाता है यह भी हमने बात की थी ठीक है देन हम लोगों ने इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात की किस तरीके से बबल शॉट का कोड लिखना है ये हम लोगों ने देखा तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा ठीक है और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर इंटरव्यू रूम द कंपनी लाइक टीसीएस कंपनी लाइक विप्रो कंपनी लाइक इंफोसिस ठीक है कंपनी लाइक एम्पिटस दे आर मेजर फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर और सॉर्टिंग सर्चिंग तो बहुत फेवरेट टॉपिक होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है किस सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं मैंने पहले भी आपको बोला है कि फ्रॉम द लास्ट ट्वेंटी मोर देन फिफ्टी थाउजेंड स्टूडेंट गॉट प्लेस इन डिफरेंट एम जिनको मैंने पढ़ाया है जो मुझसे पढ़े हैं तो विश्वास रखिए नेक्स्ट आप ही होंगे ठीक है बस बने रहिए इस कोर्स में समझते रहिए चीजों को क्योंकि एट द एंड हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी बात करेंगे मैं हर एक कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस टी सी विप्रो में पूछे जाते हैं इन्फोसिस में पूछे जाते हैं इंपिटस में पूछे जाते हैं गूगल में पूछे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट में पूछे जाते हैं सारी बातें हम लोग करेंगे बस बने रहिए समझते रहिए चीजों को ठीक है और खुश रहिए ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर बाय बाय